सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज मंदिर चौक चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का पुतला फूंका। इस दौरान आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने असदुद्दीन ओवैसी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथ में तख्ती थी जिस पर लिखा था, फलस्तीन की जय बोलने वाले की जगह जेल में है। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास एक व्यक्ति त्रयोदशी में शामिल होने के लिए चौक जा रहा था। इस दौरान ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी जिससे वो घायल हो गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजा गया जहां उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। श्रावस्ती नवीन मॉडल थाना क्षेत्र में हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया। फिरोजाबाद CMO रामबदन राम ने प्रशिक्षण में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बरसात के मौसम में रोगों से कैसे बचाव किया जाए उसकी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में कहीं भी पानी को एक जगह जमा न होने दें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। मेरठ में एक महिला ने थाना निसाड़ी के इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया है कि वो उसकी सुनवाई नहीं कर रहे बल्कि उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। थानेदार कहता है कि कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, तुम्हारी FIR दर्ज नहीं होगी। जिसको लेकर पीड़ित महिला के साथ साथ आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता SSP कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने पूरे मामले को SSP के संज्ञान में कराया। गाजीपुर पुलिस ने रिश्तों में हुए कत्ल के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से हत्या में प्रयोग किए गए तमंचे भी बरामद किए हैं। आरोपी में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी व विजेता UPTT एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव पाठक और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस स्वर्ण पदक विजेता व महिला आयोग के अध्यक्ष गीता टंडन कपूर का अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में चयन हुआ है। ये खिलाड़ी 6 से 14 जुलाई तक रोम में होने वाली वर्ल्ड मास्टर्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की ओर से इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। कन्नौज में शोहदे के ब्लैकमेल से परेशान छात्रा ने खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक छात्रा के विद्यालय और घर से आते समय अश्लील हरकतें और छेड़खानी शोहदे करते थे। लोकलाज और बदनामी के डर से छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। किशोरी की मां ने 3 युवकों पर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। पीलीभीत के सदर कोतवाली इलाके में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान तहसील में तैनात सौरभ गंगवार को 15,000 की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी लेखपाल को पुलिस कोतवाली ले जाकर पूछताछ कर रही है और जांच में जुटी हुई है। फिरोजाबाद में काफी दिनों से बिजली कटौती की जा रही है, जिससे व्यापारी व आम जनमानस काफी परेशान है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि जनपद को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति दी जाए, इसके विपरीत फिरोजाबाद विद्युत विभाग शहर की जनता को सिर्फ 6 घंटे बिजली दे पा रहा है। व्यापार मंडल ने ज्ञापन में अपनी मांग रखी। बिजली विभाग के RP गोयल को ज्ञापन दिया। कानपुर में भूमाफियों के कहर से एक युवक लगातार पुलिस प्रशासन की चौखट की ठोकरें खा रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसी के चलते एक बार फिर पीड़ित दिलीप भास्कर DM कार्यालय पहुंचा। बताया कि परसोली तुलसियापुर में उसकी जमीन है, जहां 3 लोगों ने कब्जा कर रखा है और अवैध रूप से इंटरलॉकिंग सीमेंट और टाइल्स बनाने का कारखाना बना रखा है और प्लाट खाली नहीं कर रहा है। पुलिस से कई बार शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए DM से शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र में सरकारी हेडपंप पर पानी भरने गए 2 मासूम बच्चों पर कच्ची दीवार अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। दीवार के मलबे में दबकर 1 बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र में खेत पर पशु के लिए चारा लेने गई महिला हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजा देने की मांग की है। बिलसी थाना क्षेत्र में 2 घरों का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसकी सूचना पीड़ित ने पुलिस को दी तो पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। बता दें 1 महीने पहले भी इसी क्षेत्र में 2 घरों में चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस अब तक कोई खुलासा नहीं कर पाई है। अमरोहा के सदर नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका ने घरों के आगे हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान नगर पालिका की टीम की स्थानीय लोगों से तीखी नोकझोंक भी हुई। बता दें घरों के आगे हो रहे अवैध कब्जे से शहर के मुख्य चौराहों पर भीषण जाम लग रहा था।